रायपुर शहर के करीब 50,000 लोगों को पीने का पानी सोमवार की शाम नहीं मिला। मंगलवार की सुबह भी पीने का पानी का संकट इन हजारों लोगों पर मंडराता रहा। दरअसल नगर निगम की मेन पाइपलाइन सोमवार की शाम फट गई, जिसकी वजह से करीब 2 से 2.5 घंटे तक पानी यूं ही बहता रहा। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 30 लाख लीटर से ज्यादा पानी सड़क पर बह गया। रायपुर शहर के मोतीबाग, देवेंद्र नगर, हिंदू हाई स्कूल के आसपास लगी बस्तियों में पीने का पानी मंगलवार को भी नहीं मिल पाया। रायपुर के अलग अलग थानों में पुलिस को गूगल कस्टमर केयर नंबर सर्च किए जाने के बाद, लोगों को ठगे जाने की शिकायत के बाद पुलिस की टीम फोन नंबर और खातों की जानकारी को ट्रेस कर पश्चिम बंगाल पहुंची, जहां ठग छुपकर फर्जी नंबरों के जरिए इस पूरे कांड को अंजाम दे रहे थे। मकान में छापा मारकर 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए युवकों में MD आलम, दिनेश राय, प्रकाश राज, महेंद्र सिंह और रोहित कुमार यादव को पकड़कर इनके कब्जे से 16 मोबाइल फोन और अलग अलग कंपनियों के 151 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में मैनपाट ब्लॉक के ग्राम कतकालो डुमरापारा में नशे की हालत में पत्नी से विवाद होने के बाद नशेड़ी पति वीरधन डोरा ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति ने सो रही पत्नी के गर्दन पर टांगी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। नशे की हालत में क्षणिक आवेश की वजह से हुई इस हत्या के बाद 3 बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी समेत हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के शहरी क्षेत्र और उड़ीसा में सक्रिय बाइक चोर को चकद्दर नगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी पिंटू महाकुल उर्फ उड़िया के पास से 4 बाइक और 4 मोबाइल जब्त किया है। रायगढ़ जिले के पूंजीपत्र थाना क्षेत्र के ग्राम तुमीडी में आइसक्रीम सेंटर की बिक्री कम होने पर आर्थिक नुकसान झेल रहे प्रदीप कुमार भोए नामक युवक ने दुकान में ही गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुकानदार के इस कदम से परिजन सदमे में हैं। रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र में चाकू, टांगी और डंडे से लैस 5 अज्ञात नकाबपोशों द्वारा फर्नीचर व्यवसायी की दुकान का ताला तोड़ते हुए घर में दहशतगर्दी मचाते हुए डकैती की नाकाम कोशिश करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मुलजिमों ने कारोबारी की बूढ़ी मां को तकिए से दबाकर मारना भी चाहा। वहीं व्यापारी पर टांगी से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी ने जब परिवार को इकट्ठे होते देखा तो भाग खड़े हुए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की जुटमिल थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह अमली भोना इंदिरा आवास के पास सार्वजनिक स्थान पर लोहे के धारदार हथियार गुप्ती से मोहल्ले के लोगों से झगड़ा विवाद करने वाले रविलाल चौहान नामक व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से धारदार गुप्ती जब्त किया है। रायगढ़ जिले की भूपदेवपुर थाना पुलिस ने लूट के फरार आरोपी पंडा उर्फ परमेश्वर साहू को जूट मिल रायगढ़ थाना क्षेत्र में दबिश देकर पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ नवंबर 2020 में चारा भाटा काशी चुआ के पास छोटी पुलिया के पास एक बाइक सवार को हथियार दिखाकर मोबाइल और नकद रकम की लूटपाट की थी। कवर्धा जिले में हत्या का एक मामला सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामला थाना चिल्पी घाटी के ग्राम राजाढार का है, जहां खाना नहीं बनाने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पति ने अपने रिश्तेदारों को मौत की वजह मिर्गी का दौरा बताया, फिर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच की तो पूरा खुलासा हुआ है। मामले में पति सुरेश बैगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कवर्धा में अब नक्सलियों ने पर्चे फेंककर पुलिस की ग्राम खेल समिति का विरोध किया है। उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस का साथ नहीं देने की अपील की, जिसके अलावा कई और मुद्दों के पत्र में जिक्र किया गया। भोरम देव एरिया कमेटी के नाम से यह पर्चा फेंका गया है। उन्हें पर्चे में लिखा है कि ये लोग आदिवासियों की जंगल जमीन को छीनने का काम कर रहे हैं, आप इन लोगों के साथ मत दीजिए। जगदलपुर रेंज के वन विभाग स्टाफ ने मुखबिर की सूचना पर साल चिरान लकड़ी की तस्करी कर रहे आरोपियों की घेराबंदी कर 2 वाहनों को पकड़ा है। आरोपी स्कॉर्पियो एवं तवेरा से साल चिरान को लेकर जा रहे थे। पकड़े गए चिरान की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। बालोद जिले के रंचरे थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तवेरा में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है।
पंचायत ने यह कार्य ठेके में दिया है, जिसे ठेकेदार अपने श्रमिकों के माध्यम से टंकी का निर्माण करवा रहा है, लेकिन उनके द्वारा यहां कार्यरत श्रमिक को आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराने से 45 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहा श्रमिक विनोद मुखिया अचानक गिर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जांजगीर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र में पत्रकार गोपाल शर्मा की बेटी इसिका शर्मा की लाश घर में संदिग्ध अवस्था में मिली है। इसिका शर्मा YouTube चैनल में एंकर का काम करती थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए SP विजय अग्रवाल ने मौके पर पहुंचे और घटना के स्थल का मुआयना किया। दूसरी ओर रायपुर के FSL की टीम को बुलाया गया है।